तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पहुंच गए जनता की अदालत में, और यहां से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया है अब तक का सबसे गंभीर प्रहार, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की कमजोर नब्ज पर वार किया है। उन्होंने सीधे सीधे 5 सवाल किए हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से, और सबसे अहम सवाल इन 5 सवालों में वो ये कि आपके यहां तो परंपरा है ना कि 75 साल पूरा होने पर रिटायर कर दिया जाता है, जैसा कि मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी को किया गया। मोदी जी जब 75 साल के हो जाएंगे तब क्या उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा? सीधा सवाल है दोस्तों, कमजोर नब्ज पर हाथ रखा है। और बात वहां नहीं रुकती, वो सीधे मोहन भागवत से पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी पार्टी में भ्रष्टाचारियों को स्वागत कर रही है, यानी कि जो व्यक्ति भाजपा की शरण में आ जाए उसके तमाम पापों को माफ कर दिया जाता है। और ऐसा अरविंद केजरीवाल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अरविंद भाजपा के सामने झुके नहीं है, इसीलिए लगातार कभी उन पर ईडी केस करता है, कभी सीबीआई, कभी जेल, और आप देख रहे हैं कि लगातार आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं वो निशाने पर हैं। इसीलिए उन्होंने 5 सवाल मोहन भागवत से किए हैं। इन 5 सवालों को सुनने के बाद भाजपा को जबरदस्त मिर्ची लगने वाली है दोस्तों। आप भी ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द अरविंद केजरीवाल का। मैं पूरे सम्मान के साथ मोहन भागवत जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं और आपका समर्थन चाहता हूं। अगर मैं कोई गलत प्रश्न पूछूं तो बता देना, और सही प्रश्न पूछूं तो मैं आपसे हाथ खड़ा करवा के पूछूंगा। मेरा पहला प्रश्न है मोहन भागवत जी से, जिस तरह मोदी जी देश भर में लालच देके या ईडी और सीबीआई की धमकी देके डरा के दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, क्या ये देश के लिए सही है? मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप नहीं मानते कि ये भारतीय जनतंत्र के लिए हानिकारक है? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए मोहन भागवत जी से? मेरा दूसरा प्रश्न है उनसे, देश भर में सबसे भ्रष्टाचारी नेताओं को मोदी जी ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। जिन नेताओं को कुछ दिन पहले मोदी जी ने खुद सबसे भ्रष्टाचारी बोला, जिन नेताओं को अमित शाह जी ने खुद भ्रष्टाचारी बोला, कुछ दिन के बाद उनको बीजेपी में शामिल करा लिया। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रकार की राजनीति से आप सहमत हो? क्या आपने कभी ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए मोहन भागवत जी से? मेरा तीसरा प्रश्न है मोहन भागवत जी से, बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई है कि नहीं है? कहा जाता है यह देखना आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पथ भ्रष्ट ना हो। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप आज की बीजेपी के इन कदमों से सहमत हैं? क्या आपने कभी मोदी जी से यह सब ना करने के लिए बोला? मोहन भागवत जी बताएं कि क्या आपने मोदी जी को यह सब गलत हरकतें करने से रोका कभी? पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? मेरा चौथा प्रश्न है मोहन भागवत जी से, जेपी नड्डा जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है, आरएसएस बीजेपी की मां समान है कि नहीं है? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंखें दिखाने लग गया? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि आज मां को आंखें दिखाने लग गया? जिस बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, जिस बेटे को प्रधानमंत्री बनाया, आज वो बेटा पलट के मां को अपनी आंखें दिखा रहा है। मातृतुल्य संस्था आरएसएस, आज वो बेटा अपनी मातृतुल्य संस्था को आंखें दिखा रहा है।
मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, जब नड्डा जी ने ये कहा तो आपके दिल पे क्या गुजरी, आप जरा बताइए इस देश को, क्या आपको दुख नहीं हुआ? मैं आरएसएस के हर कार्यकर्ता से पूछना चाहता हूं, जब नड्डा जी ने कहा कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, क्या आरएसएस के हर कार्यकर्ता को दुख नहीं हुआ? मेरा पांचवा प्रश्न मोहन भागवत जी से मैं कहना चाहता हूं, आप ही लोगों ने मिलकर कानून बनाया था कि 75 साल के होने पे कोई भी व्यक्ति रिटायर होगा, इस कानून के तहत आडवाणी जी को रिटायर कर दिया, मुरली मनोहर जी जैसे बड़े बड़े नेताओं को रिटायर कर दिया, बीसी खंडूरी जी को रिटायर कर दिया, कलराज मिश्र को रिटायर कर दिया, शांता कुमार को और पता नहीं कितने लोगों को रिटायर कर दिया। अब अमित शाह जी कह रहे हैं कि ये नियम मोदी जी पे लागू नहीं होगा, तो मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप इससे सहमत हो कि जो नियम आडवाणी जी पे लागू हुआ वो मोदी जी पे लागू नहीं होना चाहिए? आप ये पूछना चाहते हैं कि नहीं पूछना चाहते? पूरा देश आज मोहन भागवत जी से ये प्रश्न पूछना चाहता है। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं मोहन भागवत के कुछ हालिया बयान। अभी हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा था कि लोगों को फैसला करने दो कि तुम्हारे अंदर भगवान है या नहीं है। आपको याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में खुद को नॉन बायोलॉजिकल बता दिया था, यानी कि वो सीधे ईश्वर से अवतरित हुए हैं। बकौल प्रधानमंत्री, मुझे लगता था कि मैं अपनी मां का बेटा हूं, मगर उनके जाने के बाद अब मुझे लग रहा है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। इसी मुद्दे पर मोहन भागवत का यह तंज था कि लोगों को फैसला करने दो कि तुम्हारे अंदर भगवान है या नहीं है। आपको याद है इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? अरविंद केजरीवाल इसी मुद्दे पर वार कर रहे हैं दोस्तों। सुनिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में खुद को नॉन बायोलॉजिकल बताया था, यानी सीधा ईश्वर से जिसे संदेश मिलता है। सुनिए, पहले जब तक मां जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। मां के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता तो मैं कन्विंस हो चुका हूं, गलत हो सकता हूं, लोग लेफ्टिस्ट लोग तो मेरे धज्जियां उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे, मैं कन्विंस हो चुका कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। मोहन भागवत का ताना इसी बात को लेकर था। मोहन भागवत बार बार प्रधानमंत्री को मणिपुर की याद दिला रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं जाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाय द वे अमरीका पहुंचे हुए हैं दोस्तों, और यहां उनकी मोदी 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 हो रही है। प्रधानमंत्री अपने सोशल मीडिया हैंडल में एक वीडियो पेश करते हैं और उस पूरे वीडियो में मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। एक व्यक्ति इतना आत्ममुग्ध कैसे हो सकता है? इसलिए मोहन भागवत बार बार प्रधानमंत्री को मणिपुर की याद दिला रहे हैं। सुनिए अब से कुछ महीनों पहले उन्होंने क्या कहा था, सुनते हैं। अब एक साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा, पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है, कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। मोहन भागवत के कुछ अन्य बयान आपके स्क्रीन पर। काम करें अहंकार ना पालें, इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने ये सीधे सवाल जो हैं वो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से किए हैं। अरविंद समझ रहे हैं कि आरएसएस कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रहा है। उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि जेपी नड्डा ने हाल ही के लोकसभा चुनावों में कहा था कि भाजपा को आरएसएस की जरूरत नहीं है, जबकि आप और हम सब जानते हैं कि बीजेपी की जो वैचारिक जननी है, यानी जो वैचारिक पूर्वज हैं, वो आरएसएस है। आरएसएस से बीजेपी निकली, मगर अब अहंकार इस कदर तमाम हदों को पार कर रहा है कि यह कहा जा रहा है कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है।
अरविंद केजरीवाल लगातार भाजपा और आरएसएस की कमजोर नब्ज पर वार कर रहे हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, लोकसभा के चुनावों में उन्होंने ये तक कहा था कि ये लोग मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को हटा देना चाहते हैं, उनका वजूद खत्म कर देना चाहते हैं। नतीजा आपके सामने है। नतीजा ये कि आज की तारीख में योगी समर्थक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थकों में 36 का आंकड़ा चलता है। याद कीजिएगा, जब यूपी के लोकसभा के चुनावों के नतीजे आए थे तो किस तरह से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के समर्थक वार कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। अरविंद केजरीवाल अपनी जिंदगी की एक बहुत मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं। वो जानते हैं कि उन्हें जेल भेजकर भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चला रही है कि अरविंद केजरीवाल एक चोर है। आज अरविंद केजरीवाल ने जनता से सवाल पूछा कि केजरीवाल चोर है या केजरीवाल को जेल भेजने वाले चोर। सुनिए अरविंद क्या कहते हैं। आज आपके बीच में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, केजरीवाल चोर है या केजरीवाल को जेल भेजने वाले चोर हैं? जिन जिन लोगों को लगता है केजरीवाल ईमानदार है, हाथ खड़े करके बता दो जरा से। ये कैमरे वाले जरा से दिखा दो कि दिल्ली की जनता क्या सोचती है। जिन जिन लोगों को लगता है कि मोदी जी ने केजरीवाल के खिलाफ गंदा राजनीतिक षड्यंत्र रचा था, जिन जिन लोगों को लगता है कि मोदी जी ने केजरीवाल के खिलाफ बहुत बुरा षड्यंत्र रचा था, हाथ खड़े कर दो सब लोग। आज अरविंद की जनता की इस अदालत में पार्टी के तमाम बड़े नेता वहां मौजूद थे। मनीष सिसोदिया भी वहां मौजूद थे और मनीष सिसोदिया ने कहा कि किस तरह से उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था ताकि वो केजरीवाल के खिलाफ बयान दे। लगातार उनमें और केजरीवाल में मतभेद पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, मगर वो पीछे नहीं हटे। सुनिए क्या कहा मनीष सिसोदिया ने। अभी 13 सितंबर को तो दिल भर आया देख के सर को। आपने देखी होगी, मैं जब सर तिहाड़ से निकल के, हम तिहाड़ के सामने भी थे, तिहाड़ से निकल के घर पहुंचे तो जो गले लगाया सर ने और मैंने, सर को गले लगाया, आपने वो फोटो शायद देखी होगी, किसी ने फोटो ले ली थी, वो किसी ने फोटो खींची थी, मैं बाद में सोशल मीडिया पे, मुझको किसी ने भेजी हुई फोटो में देख रहा था। हम दोनों के चेहरे पर आप जान सकते हो कि हमारे और उनके बीच में क्या रिश्ता है, इस दोस्ती के बीच में क्या रिश्ता है। इसको तोड़ने चले थे बीजेपी वाले। मैं देख रहा था उस फोटो को और मैं सोच रहा था कि वैसे तो रामचरितमानस में, रामायण में, इस घटनाक्रम में कभी राम और लक्ष्मण अलग नहीं हुए, लेकिन अगर कभी राम और लक्ष्मण अलग होकर वापस मिलते तो ऐसे ही मिलते जैसे मैं और केजरीवाल जी जिस भाव से मिले थे, उनकी तस्वीर भी ऐसे ही आती अगर वो मिलते उस तरह से, राम लक्ष्मण भी अलग होकर मिलते। हम दोनों 18 महीने के बाद मिले थे। 13 सितंबर को सर जब वापस आए, शाम को सब हम लोग बैठे, सारे मंत्री विधायक बहुत सारे कार्यकर्ता थे, जब सब जाने लगे तो सर ने कहा 5 मिनट बैठो मेरे साथ। मैं और सर फिर बैठे थोड़ी देर घर में, जाने से पहले रात को बहुत कुछ बातें थी 18 महीने की कहने सुनने की, बहुत कुछ मेरे दिल में था, बहुत कुछ सर के दिल में था कहने के लिए। हमने बातें की, हमने चर्चा की कि किस तरह से 26 साल पहले परिवर्तन की लड़ाई शुरू की थी, किस तरह से हम दिल्ली विद्युत बोर्ड उस समय हुआ करता था, दलाल साहब जानते हैं, दिल्ली विद्युत बोर्ड हुआ करता था, दिल्ली विद्युत बोर्ड के दफ्तर के सामने मैं और अरविंद केजरीवाल जी जाके एक टेबल चेयर लगाते थे और वहां आने वाले लोगों को कहते थे इस दफ्तर में रिश्वत मत देना, हमने कानून पढ़ रखा है, अगर कोई इस दफ्तर का अधिकारी आपसे रिश्वत मांगेगा तो हम आपकी एप्लीकेशन बनाएंगे, रिश्वत मत देना। हम बैठ के दिन में 50-60 लोगों की एप्लीकेशन लिखवाते थे और वो लोग ऊपर जाके अपना काम करवाते थे, उस एप्लीकेशन की वजह से उनका काम ईमानदारी से होता था क्योंकि सिटीजन चार्टर के हिसाब से हम एप्लीकेशन बनाते थे। हमने उस दिन बैठ के याद किया सर ने और हमने कि किस तरह से 25 साल पहले, 26 साल पहले ये लड़ाई शुरू की थी, ईमानदारी के लिए, देशभक्ति के लिए, गरीब लोगों की मदद के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी। हमने याद किया कि कैसे दिल्ली की झुग्गियों में जाके गरीब लोगों के राशन कार्ड बनवाने से लेके गरीब लोगों के राशन दिलवाने तक की लड़ाई लड़ी है, इसलिए थोड़ी लड़ी थी कि किसी सत्ता में आना है, किसी कुर्सी पे आके बैठना है। हमने याद किया कि किस तरह से राइट टू इंफॉर्मेशन कानून बनवाया
और जब देश में राइट टू इंफॉर्मेशन कानून बना तो पूरे देश में घूम घूम के लोगों को राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में बताया, लोगों की राइट टू इंफॉर्मेशन की एप्लीकेशन फाइल करने में मदद की, लाखों लोगों की राइट टू इंफॉर्मेशन की एप्लीकेशन फाइल करने में मदद करी, जिससे उनके काम ईमानदारी से हुए, जिससे वो भ्रष्टाचार से आम आदमी लड़ सका। ये सब लड़ाई लड़ी, हमने तो कभी सोचा नहीं था कि इन राजनीतिक कुर्सियों पर आके बैठेंगे, राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, ये कभी सोचा नहीं था, कभी सोचा नहीं था कि सत्ता में आके बैठेंगे, इतने बड़े बड़े पदों पर जाके बैठेंगे, हमने नहीं सोचा था, लेकिन शायद भगवान ने हमारे लिए कुछ सोच रखा था। केजरीवाल ने आज जनता की अदालत में यह भी कहा कि उन्होंने बार बार इस बात को साबित किया है कि ईमानदारी से चुनाव लड़े जा सकते हैं। उन्होंने कांग्रेस को भी घेरने की कोशिश की। बकौल अरविंद केजरीवाल, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो उनमें बहुत अहंकार था, हमें चुनौती दिया करते थे कि चुनाव लड़के दिखाओ, और हमने ईमानदारी से चुनाव लड़ा और चुनाव जीते भी। अरविंद अपनी इस छवि को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं और इसी को तोड़ना चाहती है बीजेपी कि अरविंद केजरीवाल चोर है और ईमानदार नहीं है। सुनिए अरविंद क्या कह रहे हैं। आज आप लोगों के बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है और आज यहां जंतर मंतर पे पुराने दिन याद आ गए। मेरे को आज भी याद है, तारीख भी याद है, 4 अप्रैल 2011 का दिन था जब आजाद भारत का भ्रष्टाचार विरोधी सबसे बड़ा आंदोलन अन्ना आंदोलन यहां जंतर मंतर से शुरू हुआ था। भ्रष्टाचार के खिलाफ आजाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन 4 अप्रैल 2011 को जंतर मंतर से शुरू हुआ था। 1.5-2 साल कभी जंतर मंतर, कभी मुंबई, कभी रामलीला मैदान, लेकिन उस वक्त की सरकार भी बहुत अहंकारी थी, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, चैलेंज करते थे, चुनाव लड़के दिखाओ जीत के दिखाओ, चुनाव लड़के दिखाओ जीत के दिखाओ कहते थे ना। हम तो छोटे से लोग थे, हमें तो चुनाव लड़ना नहीं आता था, और चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए, गुंडे चाहिए, आदमी चाहिए, हमारे पास तो ना पैसा था ना आदमी थे ना गुंडे थे, हम चुनाव कैसे लड़ते। पर वो बार बार कहते थे चुनाव लड़के दिखाओ, चुनाव लड़के दिखाओ। हम भी चुनाव लड़ लिए और देखो जनता ने हमको जिता दिया, पहली बार में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। देश के अंदर हमने 2013 में चुनाव हुए थे, देश के अंदर साबित कर दिया ईमानदारी से चुनाव लड़े भी जा सकते हैं और ईमानदारी से चुनाव जीते भी जा सकते हैं। जब हम चुनाव लड़े थे उन दिनों में तो ये कहते थे सारे पार्टी वाले, अरे इनकी तो जमानत जब्त होगी, केजरीवाल की जमानत बच जाए चाहे। पहली बार में सरकार बन गई थी दिल्ली के अंदर हमारी 49 दिन की सरकार, ईमानदारी से चुनाव लड़े थे हम, हमारे पास कोई पैसा नहीं था, कोई आदमी नहीं था, ईमानदारी से चुनाव लड़े थे, देश में साबित कर दिया कि ईमानदारी से चुनाव लड़े जा सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का अब असली इम्तिहान जो है वो हरियाणा में होने वाला है, क्योंकि पार्टी के नेता लगातार कह रहे हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आएगी आम आदमी पार्टी के समर्थन के बगैर वो सरकार नहीं बना सकती। जाहिर सी बात है संजय सिंह का यह इशारा कांग्रेस की तरफ है और कांग्रेस को इस बात का डर है कि कहीं उसके वोटों को काटने का काम आम आदमी पार्टी ना करें। अरविंद हरियाणा में उग्र होकर चुनावी प्रचार भी कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, और इसको लेकर भाजपा खेमे और कांग्रेस खेमे दोनों में जो है एक असहजता है कि अरविंद किसके वोट काटेंगे। और अगर वाकई आम आदमी पार्टी हरियाणा में किंग मेकर बन जाती है तो यकीनन दोस्तों इसका असर आने वाले दिल्ली के विधानसभा चुनावों पर भी
पड़ सकता है। अब इशार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।